हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोविंग सीएस। आई एम आशीष लोहिया। बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन, और वी कैन से अ रैपिड रिवीजन ऑफ होल ऑडिट। एंड इन दिस वीडियो एंड इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस आई एम गोइंग टू कवर मोर देन 90% ऑफ योर सिलेबस एंड डेट टू इन अप्रॉक्स 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स के अंदर अपन पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट करेंगे एंड सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, आप क्या करना, सबसे पहले आप मेरा ये जो चार्ट है, रिवीजन चार्ट, ये आप डाउनलोड कर लेना, ताकि साथ साथ में अपन पढ़ते रहेंगे, सारी चीजें अपन यहां पे कवर करते रहेंगे। क्लियर? तो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट चैप्टर, अपन मॉड्यूल के हिसाब से नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे अपने फ्लो में। एंड अपना फ्लो है एज पर वेटेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एंड वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम देखो, कंपनीज एक्ट प्रोविजन फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स। कंपनीज एक्ट प्रोविजन मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर्स के रिलेशन में कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, उसके कुछ बातें अपन यहां पे करने वाले हैं। एंड बेसिकली अगर आपको याद है तो मैंने बोला था एप्लीकेबल सेक्शन कितने होते हैं, मालूम 139 से लेके 147। एक ऑडिटर को, एक कंपनी के ऑडिटर को कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, सर सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 147। बट आपके मॉड्यूल में जो मेनली कवर्ड हुए ना, वो सिर्फ 5 सेक्शन है। कौन से सर? सिर्फ 5 सेक्शन कवर हुए। सबसे पहले 139 क्या बोलता है, सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। उसके बाद में 141 क्या है, सर 141 है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। देन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को रेम्यूनरेशन पे कौन करेगा। सर 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। एंड लास्ट वन इज 144, कौन सा सर्विस एक ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यार से बेटा, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 139 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब आप लोग चार्ट नहीं भी देखोगे ना, मेरे को सुनते हुए चलना बस। सर 139 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कौन। तो करने से पहले तो ये चेक करना कि कंपनी कौन सी है। सर या तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंट कंपनी, या तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंट कंपनी सर। और उसके बाद में ऑडिटर भी दो तरीके के हैं, ऑडिटर भी कितने टाइप्स के, दो सर, या तो फर्स्ट ऑडिटर या तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑडिट एंड सब्सिक्वेंट, सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो कंपनी के जिंदगी का जो पहला ऑडिटर रहेगा वो कौन रहेगा, फर्स्ट ऑडिटर। एंड सर एक बार ये फर्स्ट ऑडिटर रिटायर होकर चला गया, उसके बाद में कोई भी ऑडिटर आते रहेंगे, या फिर ये सेम ऑडिटर भी अगर रीअपॉइंट भी हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सेकेंड ऑडिटर, थर्ड ऑडिटर जैसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? तो चलो बात करेंगे सर सेक्शन 139 क्या बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के अंदर। तो सर ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर, सर कौन अपॉइंट करेगा, सर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड अब आप लॉजिक समझो कि मैजिक समझो, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखा ना, डेज कितने रहेंगे मालूम है, डेज रहेंगे 30। तो सर हर कंपनी का, हर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। लेकिन सर बिकॉज ऑफ सम रीजन, इतने सारे काम होते ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी, तो मे बी पॉसिबल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए विद इन 30 डेज, तो क्या होएगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते विद इन 30 डेज, तो वो लोग इन्फॉर्म करेंगे शेयर होल्डर्स को, एंड शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 90 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट 90 डेज में अपॉइंट करेंगे, कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स। सर मीटिंग कौन सा रहेगा, सर ये मीटिंग रहेगा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन सा रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैंने आपको ऑलरेडी सीखा है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहला अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कौन है, कैग, CAG, जिसका पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेटा CAG अपॉइंट करेगा विद इन कितना टाइम, सर 60 डेज। लेकिन सर CAG से नहीं हुआ तो, हमने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया तो, बेटा अगर CAG ने अगर अपॉइंट नहीं किया विद इन 60 डेज, तो नेक्स्ट कौन रहेगा, सर नेक्स्ट रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट कौन रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहां पे बोर्ड आया, डेज कितना 30। लेकिन सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अपॉइंट नहीं हुआ तो, कौन आएगा, शेयर होल्डर। एंड यहां पे शेयर होल्डर्स को टाइम दिया गया कितना डेज, 60 डेज। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 प्लस 90, यहां पे कितना इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 60
30, then 60. CAG, board of director, then shareholder. Sir, question ये arise होता है, पहले auditor का term कहां तक रहेगा? कहां तक? तो इन्होंने बोला till the conclusion of first AGM, till the conclusion of first AGM, because company incorporate हुई है, अब तक उनका पहला AGM ही नहीं हुआ है, तो जब तक इनका first AGM नहीं हो जाता, वहां तक क्या रहेगा, auditor का term रहेगा. Sir, subsequent की बात करते हैं, sir, non-government company के केस में, subsequent auditor, कहां पे appoint होएगा, तो इन्होंने बोल दिया, auditor appoint होएगा first AGM के अंदर, जिसका term रहेगा, कहां तक sir, till the conclusion of sixth AGM, first AGM में appoint होएगा, कहां तक, sixth AGM तक, मतलब कितना साल, सर 5 साल, क्या 5 साल के बाद में वापस रीअपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अगर आपको याद आ रहा है रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला कांसेप्ट जो अभी अपन कवर करने वाले हैं, क्लियर, तो सर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी अपॉइंट करेगा, एंड सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर कमेंस होएगा जिसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसके 180 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, और अपॉइंट करेगा कौन, सीएजी. सर लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर है सर, उसका टर्म कहां तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. तो बेटा ये सारी चीजें यहां पे डायग्राम फॉर्म में आपको दी गई हैं, ये पूरा का पूरा अपन ने पार्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, वो फर्स्ट ऑडिटर होएगा या फिर वो सब्सिक्वेंट रहेगा, लेकिन सर किसी भी रीजन से अगर ऑडिटर का प्लेस वैकेंट हो गया, ऑडिटर का डेथ हो गया, सर ऑडिटर अनसाउंड माइंड वाला हो गया, तो सर वो केस में क्या दूसरे ऑडिटर को लाना पड़ेगा? लॉ बोलता है यस, वो जो वैकेंसी अराइज हो गई है ना, वो कैजुअली जो वैकेंसी अराइज हो गई है उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा. तो फिल करने के लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, एंड 139(8) क्या बोलता है, वापस से वही बात है सर, या तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंट कंपनी, एंड बेटा अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड बेटा जहां पे बोर्ड दिखा, डेज कितना रहेगा सर, डेज तो रहेगा 30 फ्रॉम द डेट ऑफ, सर कौन से दिन से, सर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अराइजेस, जिस दिन वैकेंसी अराइज होएगा वहां से 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे. जैसे फर्स्ट ऑडिटर था, फर्स्ट ऑडिटर के लिए 30 दिन कहां से था मालूम है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पे क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. एंड सर एक छोटा सा पॉइंट है यहां पे कि अगर कैजुअल वैकेंसी जो अराइज हुई है ना, उसका जो रीजन है, अगर वो रीजन है रेजिग्नेशन, अगर रीजन क्या है रेजिग्नेशन, तो वो केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा मालूम है, अपॉइंटमेंट फाइनलाइज किया जाएगा बाय मेंबर्स विद इन 90 डेज एट ईजीएम. सर गवर्नमेंट कंपनी है तो, गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले सीएजी आएगा विद इन 30 डेज, और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज. अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट, कौन सा रोटेशन ऑफ ऑडिटर. सर रोटेशन बोलेगा तो मतलब मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बात किया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसके केस में क्या बोला, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. क्वेश्चन ये अराइज होता है सर, सिक्स्थ एजीएम तक अगर ऑडिट कर लिया, क्या उसके बाद में वापस रीअपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इन्होंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में जो हम यहां पर डिसाइड करेंगे, उसके बाद में ऑडिटर को कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा. बट ये जो प्रोविजन है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के लिए, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए. तो सर वो बड़ी कंपनीज कौन है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है टू लिस्टेड कंपनी, टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, सर जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़, या फिर कोई भी कंपनी जिन्होंने लोन लेके रखा है फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड वो जो अमाउंट है वो कितना है सर, मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़. और अगर आप ये चारों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, तो आपको ये जो कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला, ये एप्लीकेबल हो जाता है. और सपोज सर एक कंपनी थी रिलायंस कंपनी, रिलायंस लिस्टेड कंपनी, तो क्या वहां पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हो गया, सर एप्लीकेबल हो गया. तो क्या करने का, सिंपल सा पॉइंट है, क्या करने का, देखने का उनका ऑडिटर कौन है, देखो उनका ऑडिटर कौन है. सर ऑडिटर कौन, या तो पर्सन इंडिविजुअल या तो पार्टनरशिप फर्म,
पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, या तो पर्सन इंडिविजुअल या तो पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर पर्सन इंडिविजुअल है तो कितना ऑडिट करेगा सर? वो ऑडिट करेगा फॉर वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, कंटिन्यूस 5 साल का ऑडिट कर सकता है। और अगर सर पार्टनरशिप फॉर्म है तो सर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उन लोग ऑडिट कर सकते हैं फॉर 2 terms of 5 consecutive years, और एक बार ये टर्म कंप्लीट हो गया 1 या फिर 2 रिस्पेक्टिवली, एक बार ये टर्म कंप्लीट हो गया उसके बाद में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा सर? ऑडिटर को रोटेट होना पड़ेगा, ऑडिटर को जाना पड़ेगा, उसको ब्रेक लेना पड़ेगा वो पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करने से। एंड सर कितने टाइम का ब्रेक लेना पड़ेगा सर? ब्रेक लेना पड़ेगा 5 years का। एंड वो ब्रेक को क्या नाम दिया है सर? वो ब्रेक को इन्होंने नाम दिया कूलिंग पीरियड। क्या नाम दिया है? कूलिंग पीरियड, क्लियर। उसके बाद में चलो सेक्शन 141 पे चार्ट देख लो, सारी चीजें यहां पे कवर्ड है। सेक्शन 141 क्या बोलता है सर? 141 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर कब क्वालिफाई होएगा ऑडिट करने के लिए और कब वो डिसक्वालिफाई हो जाएगा फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो सर क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल सा पॉइंट है सर, ऑडिट करता कौन है सर? या तो इंडिविजुअल या तो पार्टनरशिप फर्म। बेटा अगर इंडिविजुअल है ना तो ही मस्ट बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ सीए से काम नहीं चलेगा, सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। लेकिन सर अगर फर्म है तो फर्म है तो इन्होंने क्या बोल दिया सर? मेजोरिटी पार्टनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब सर साथ में कोई दूसरे पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, और ICAI ने वहां पे प्रिस्क्राइब किए बहुत सारे क्वालिफिकेशन जिनके साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हो, एंड कंपनी सेक्रेटरी के साथ में पार्टनरशिप की जा सकती है। बट एक फर्म में मेजोरिटी कौन होने चाहिए? मेजोरिटी होने चाहिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड अगर कोई भी रिपोर्ट रहेगा ना, जो ऑडिट अपना रिपोर्ट देगा उस पर साइनिंग अथॉरिटी किसका रहेगा? साइनिंग अथॉरिटी रहेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अदर क्वालिफिकेशन वाले का साइनिंग अथॉरिटी यहां पे नहीं रहेगा। क्लियर है? होप यू आर गेटिंग। तो ये अपना पॉइंट हो गया क्वालिफिकेशन वाला। सर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। सर एक ऑडिटर कब डिस्क्वालिफाई हो जाएगा व्हाइल फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, कब डिस्क्वालिफाई होएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट की तरह समझाया था, एक पूरा का पूरा फ्लो दिया था। अगर आपको याद है तो सर ऑडिटर कब ऑडिट नहीं कर सकता, कौन से कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑडिट कौन नहीं कर सकता सर? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटीज है, तो सर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? बट इन्होंने बोल दिया अदर देन एलएलपी। सर एलएलपी है तो बॉडी कॉर्पोरेट, बट एलएलपी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो पार्टनर को डायरेक्टली, वहां के जो डेजिग्नेटेड मेंबर है उनको डायरेक्टली लाइबल करता है। इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि एलएलपी ऑडिट कर सकता है भले वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट उसके अलावा और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है हम उनको ऑडिट करने नहीं देंगे। तो ऑडिट कौन कर सकता है सर? या तो पर्सन इंडिविजुअल एज अ सोल प्रोप्राइटर, या तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर सर? और ऑडिट कौन नहीं कर सकता सर? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। क्या मैं अपने कंपनी का, सब मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं, क्या मैं अपने ही कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं क्या? क्या कभी फ्रॉड निकलेगा? क्या मैं कभी इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा? बेटा कभी रह नहीं पाऊंगा, समझा? तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जहां पे पर्सन इंडिपेंडेंट ही नहीं रह पाएगा ना बेटा, वहां पे हम ऑडिट करने ही नहीं देंगे। जहां पे पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा है वहां पे हम ऑडिट करने ही नहीं देंगे। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोल दिया? बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं करेगा। सेकंड क्या बोला? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का ऑफिसर मतलब डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है वो ऑडिट नहीं कर सकता। तीसरा पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। यहां पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे एक तो बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा क्या था? ऑफिसर और एम्प्लॉय। तीसरा क्या था मालूम है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। अगर ऑफिसर और एम्प्लॉय ये तो ऑडिट नहीं कर सकते, बट इनके अगर कोई एम्प्लॉय है, इनके अगर कोई पार्टनर है, वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। सर चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है पर्सन हिमसेल्फ या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। अगर मैं अगर ऑडिटर बनने जा रहा हूं, तो मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरा रिलेटिव भी अगर किसी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड करता है, मैं वहां पे ऑडिट नहीं कर सकता। बट यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि रिलेटिव
होल्ड कर सकता है शेयर कितना वैल्यू का, सरफेस वैल्यू 1 लाख। अगर किसी कंपनी में मेरे रिलेटिव ने 1 लाख फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर रखा है, फिर भी मैं वहां पे ऑडिट कर सकता हूं। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन यहां पे इन्होंने दिया है, क्लियर। बट याद रखना, मेरा या फिर मेरे पार्टनर का तो कोई भी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हैज इंडेप्टेड टू कंपनी फॉर मोर देन 5 लाख रुपीज। मैंने किसी कंपनी से लोन लेके रखा है, इनडेप्ट करके रखा है, मैं उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। ना मैंने लोन लिया होना चाहिए, ना ही मेरे पार्टनर ने, ना ही मेरे रिलेटिव ने। अमाउंट क्या है? मोर देन 5 लाख। सर 5 लाख तक हुआ तो बेटा चलेगा। मैंने किसी कंपनी को गारंटी देके रखा है एंड वो गारंटी का अमाउंट अगर मोर देन 1 लाख रुपीज है तो भी मैं वहां पे ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद में पर्सन और हिज पार्टनर हैविंग बिजनेस रिलेशन विद अ कंपनी। अगर किसी कंपनी के साथ में मेरा बिजनेस रिलेशन है, मैं वहां पे रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं, मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो वो केस में मैं वहां पे ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वहां पे मैं इन्फ्लुएंस होने वाला हूं। रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ अ कंपनी। सर किसी कंपनी में मेरा रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड रखता है, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑडिट मिला है मेरे को वो मेरे रिलेटिव के वजह से मिल रहा है, तो लॉ बोलता है भाई यहां पे भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, यहां पे भी आप पिघल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सर हम वहां पे भी आपको ऑडिट करने नहीं देंगे जहां पे आपका कोई रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है। फिर बोल दिया इन्होंने एक जनरल पॉइंट है कि पर्सन इज convicted for fraud and 10 years have not elapsed या फिर 10 years have not passed। क्या बोला? अगर मैंने कोई फ्रॉड कर दिया किसी कंपनी में, मैंने अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया और मैं कन्विक्ट प्रूफ हो गया, तो ये केस में मैं 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में, क्लियर है। और उसके बाद में पर्सन इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं कहीं पे फुल टाइम जॉब पे हूं तो वो केस में मैं ऑडिट नहीं कर सकता, या फिर मैं होल्ड कर रहा हूं मोर देन 20 कंपनीज का ऑडिट। मैक्सिमम कितने कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो? 20 कंपनीज, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है, लिमिट्स है जो अपने को नहीं देखनी। मैं मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता हूं, अगर मैं 20 से ज्यादा कंपनी का अगर होल्ड करता हूं ऑडिट, तो वो केस में मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड। एंड लास्ट में मैं ऐसा सर्विस दे रहा हूं जो कहां पे लिखा? अंडर सेक्शन 144 का नाम ही क्या था बेटा? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऐसा सर्विस जो देने से मैं क्या हो जाता हूं? प्रोहिबिट है। ऐसा सर्विस जो मैं दे ही नहीं सकता बेटा। अगर वैसा सर्विस अगर आपने दे दिया ना, तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। तो भी क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। तो बेटा सेक्शन 139 डन हो गया, मेरा सेक्शन 141 डन हो गया। अब मैं 142 पे पहले नहीं जाऊंगा, पहले किसके पास जाऊंगा? 144 पे, जिसका नाम क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विस। सर कुछ ऐसी सर्विस है जो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने वो दे दी तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड। तो बेटा वो कौन सी सर्विस है जिसका नाम क्या है? सर जिसका नाम है प्रोहिबिटेड सर्विसेस। जिसका नाम क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विसेस। एंड ऐसी कुछ सर्विस आपके सामने रखी हुई है, और अगर आपको याद है तो मैंने इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक दिया था। क्या था? सर कुछ ऐसी सर्विस जो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आप क्या हो जाओगे? सर आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, आप मार दिए जाओगे। याद कैसे रखा था बेटा? अगर आपको याद आ रहा है तो मार दिए 3 बार। याद कैसे रखा था बेटा? मार दी 3 बार। एम से क्या था? सर एम से था मैनेजमेंट सर्विस। अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूं तो वहां पे ऑडिट नहीं कर सकता, और अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो वहां पे मैं मैनेजमेंट सर्विस दे नहीं सकता। वो सर्विस क्या हो जाएगा मेरे लिए? प्रोहिबिटेड सर्विस। सर और क्या नहीं कर सकता? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। मैं वहां पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होगा? मैं ही अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं ही चेक कर रहा हूं, कभी फ्रॉड निकलेगा क्या? सर कभी नहीं निकलेगा। समझ रहा है? कभी फ्रॉड नहीं निकलेगा। उसके बाद में क्या बोलता है सर? ए से एक्चुरियल सर्विस। अगर आप किसी कंपनी को एक्चुरियल सर्विस करके दे रहे हो जो मेनली इंश्योरेंस कंपनीज में यूज होता है, तो भी आप प्रोहिबिट हो जाओगे ऑडिट करने के लिए, और अगर ऑडिट करना है तो ये सर्विस देने का नहीं। तो कौन सा सर्विस नहीं देंगे? तो एम से क्या है? मैनेजमेंट सर्विस। ए से अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। ए से एक्चुरियल सर्विस। आर से रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। डी से क्या है? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल ऑडिट। अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर
एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। यहाँ पे बहुत बार ऑडमैन आउट की तरह आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं इनमें से तीन रखे जाएंगे, एक कोई और रखा जाएगा, क्लियर है, और आपको ऑडमैन आउट निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी सर्विस है जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्लियर है। उसके बाद में सेक्शन 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर ऑडिटर का जो रेमुनरेशन रहेगा वो फिक्स कौन करेगा? सर अगर वो पहला ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर है, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, क्लियर है, इतना ही याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं सर, सेक्शन 143 किसकी बात करता है? सर 143 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सर एक ऑडिटर का क्या क्या पावर रहेगा, क्या क्या ड्यूटी रहेगा, एंड 143(1) टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ ऑडिटर या फिर पावर्स ऑफ ऑडिटर। सर क्या क्या पावर है? राइट टू रिसीव रेमुनरेशन, सर सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, मेरे को पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं काम क्यों करूं? लॉ बोलता है टेंशन मत ले, तेरे लिए राइट बनाता हूं, राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। सेकेंड, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सर मैं चेकिंग कर रहा हूं, मेरे को कोई और इंफॉर्मेशन का जरूरत है, मेरे को कोई एंट्री नहीं समझे, मेरे को एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। लॉ बोलता है टेंशन मत ले, तेरा राइट है, तू पूछेगा, मैनेजमेंट तेरे को बताएगा। ऑडिटर हैज द राइट टू आस्क एंड मैनेजमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड यू द आंसर और प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। तो सर राइट टू रिसीव रेमुनरेशन, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू लीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये क्या है? ये बहुत पुराना पॉइंट है जो चलते हुए आ रहा है एक्ट के थ्रू। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास रेमुनरेशन नहीं दिया आपको क्लाइंट ने, तो आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अपने पास होल्ड करके रख सकते हो, ये भी आपके पास राइट है, आप रोक सकते हो, राइट टू लीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर राइट टू विजिट ब्रांचेस। सर एक कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, क्या ऑडिटर विजिट कर सकता है क्या? लॉ बोलता है यस, बिकॉज यहां पे बहुत बार क्या होता है कि जो मेन हेड ऑफिस होता है ना, सारे बुक्स वहां पे आ जाते हैं और ऑडिटर वहां पे बैठ के चेकिंग करता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है ना, कोई ब्रांच में ऑडिटर को डाउट है, वहां पे गड़बड़ हो रहा है, तो क्या ऑडिटर जा सकता है क्या? लॉ बोलता है यस, यू हैव द राइट टू विजिट द ब्रांचेस। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता हूं क्या? यस, एक्सेस नहीं करोगे तो ऑडिट कैसे करोगे? ऑडिट क्या है? सर ऑडिट इज चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लियर है। उसके बाद में राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। सर मैं जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता हूं, मैं शेयर होल्डर्स की कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। क्या बोर्ड मीटिंग अटेंड करना मेरा राइट है? बिल्कुल नहीं। बोर्ड मीटिंग अटेंड करना मेरा राइट है? बिल्कुल नहीं। और एक और फेवरेट क्वेश्चन यहां पे जो बनता है वो ये है, क्या ऑडिटर कंपनी से डिविडेंड ले सकता है क्या? क्या ऑडिटर कंपनी से डिविडेंड ले सकता है क्या? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ना। क्यों? क्योंकि सर ऑडिटर तो कंपनी का शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने शेयर होल्ड कर लिया तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर वो शेयर होल्ड करेगा तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो शेयर होल्ड ही नहीं कर सकता, और शेयर होल्ड ही नहीं करेगा तो डिविडेंड तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरीके से सोचना अपने को थोड़ा सा, तो मेरे साथ साथ चलते रहो, पूरा एक एक चीज अपन यहां पर कंप्लीट करेंगे। होप यू आर गेटिंग। उसके बाद में 143(1) क्या बोलता है? ड्यूटीज टू इंक्वायर ऑन सर्टन पॉइंट्स। अब यहां से ड्यूटीज चालू हो रही है, पावर अपन ने पढ़ लिया 143 में, पावर दिए थे हमने पढ़ लिए, अब ड्यूटीज। और ड्यूटी में क्या मालूम है, ऑडिटर को कुछ पॉइंट्स पे इंक्वायरी करना पड़ता है मैनेजमेंट से, एंड इंक्वायरी करने के लिए 6 पॉइंट्स अपन ने याद कैसे रखे थे? सर हमने याद रखे थे LTDIES, याद कैसे रखे थे LTDIES। एल से क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस। एल से क्या है बेटा? एल से है लोन्स एंड एडवांसेस। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये बोलता है कि अगर कंपनी ने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखा है, तो अपने को देखना है कि वो लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड है कि नहीं। एक तो क्या देखेंगे, सिक्योर्ड है कि नहीं, सामने सिक्योरिटी मिली है कि नहीं, एंड दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे सर, वो जो लोन है ना उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बरोबर है कि नहीं, वो फेवरेबल टू कंपनी है कि नहीं, फेवरेबल टू मेंबर ऑफ द कंपनी है कि नहीं, शेयर होल्डर्स के फेवर में है कि नहीं, क्लियर है। तो पहला हम क्या देखेंगे, लोन प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं, एंड टर्म्स एंड कंडीशन उसके बरोबर है कि नहीं। सेकेंड क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन विच आर मियरली रिप्रेजेंटेड बाय बुक्स एंट्री। क्या होके रखा है सर? ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका कोई सपोर्टिंग पेपर्स नहीं है, आपने बुक एंट्री पास करके रखी है, क्या वो प्रिवेंट
प्री जुडिशियल तो नहीं है, कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं है बेटा, ऐसी कौन सी एंट्री होती है सब? प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, जिसका आपके पास कोई सपोर्टिंग पेपर नहीं होता, बट ये सारी एंट्रीज अलाउड तो है, बस अपने को ये चेक करना है कि उसका जो अमाउंट आपने लिया वो बराबर है कि नहीं, तो ये ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा। डी से डिपॉजिट, आपने जो लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखे वो आपने डिपॉजिट की तरह तो नहीं शो किया है बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी के केस में एक पॉइंट ये है, क्या पॉइंट है देखो, वेदर शेयर्स आर सोल्ड एट लेस प्राइस, ये क्या बोलता है, ये पॉइंट क्या बोलता है? अपन ने याद रखा है इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के थ्रू, ये पॉइंट बोलता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने ये जो शेयर बेचे ये आपने कॉस्ट प्राइस से कम पे तो नहीं बेचे, जितने में खरीदा उससे कम में तो नहीं बेचा? अगर आपने कम में बेचा तो भाई डाउट है, क्या रीजन है, ये ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन सर इन्होंने बोल दिया कि अगर आपने शेयर परचेस किया और कम प्राइस पे भी बेचा होएगा, हम ऐसा क्वेश्चन है ना इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को नहीं पूछेंगे। सर क्यों नहीं पूछेंगे? बिकॉज सर उनका तो काम ही है रोज का ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी का तो काम ही होता है ट्रेडिंग करना, तो सर कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, उनके केस में लॉस हो सकता है क्योंकि उनका बिजनेस ही वही है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी जिन्होंने शेयर परचेस किया है, तो हमको इंक्वायरी करना है कि आपने कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा तो नहीं है, क्लियर? उसके बाद में इस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या बोलता है, आपने किसी पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज तो नहीं करके रखा, किसी डायरेक्टर ने अपने घर का खर्चा कंपनी के बुक्स में तो नहीं डाल दिया है, यह आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या है, शेयर्स, शेयर्स से क्या बोलता है, शेयर के केस में बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं फॉर कैश, अगर कैश के थ्रू शेयर्स दिए हैं, तो भाई एक्चुअल में कैश आपके पास आया है कि नहीं, और अगर आपके पास एक्चुअल में कैश नहीं आया है, तो आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोजीशन शो करके रखा है वो बराबर है कि नहीं, वो मिसलीडिंग तो नहीं है? तो अगर आपके पास कैश आया है तो प्रॉपरली शो करो, और अगर नहीं आया है तो आप लोग बैलेंस शीट के अंदर जो पोजीशन दिखाई जाती है कॉल्स इन अरियर वाली, वो पोजीशन आपने दिखाई है कि नहीं, वो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा इंक्वायरी। तो बेटा ये 6 पॉइंट है LTDIs, L से क्या था, लोन्स एंड एडवांसेस, T से ट्रांजेक्शन, D से डिपॉजिट, I से इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी, E से एक्सपेंस, और S से क्या है बेटा, शेयर्स। 143.8 ब्रांच ऑडिट, सर ब्रांच ऑडिट के केस में ये बोलता है कि ब्रांच ऑडिट कौन कौन कर सकता है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है सर ब्रांच है किधर, सर ब्रांचेस कंपनी की इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। इंडिया वाली ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक ब्रांचेस, सर इंडिया के बाहर वाली ब्रांचेस को फॉरेन ब्रांचेस। तो सर कौन ऑडिट कर सकता है, तो सर अगर वो इंडिया की ब्रांचेस है, डोमेस्टिक ब्रांचेस है, तो कौन ऑडिट करेगा, सर मेन ऑडिटर भी ऑडिट कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। अगर डोमेस्टिक ब्रांचेस है, इंडिया की ब्रांचेस है, कौन ऑडिट करेगा, या तो मेन ऑडिटर ही कर ले, जो हेड ऑफिस में ऑडिट कर रहा है वही आके कर ले, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट चलता है उसके अंदर ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, मतलब CA होल्डिंग COP। एंड सर अगर फॉरेन ब्रांचेस है तो कौन ऑडिट करेगा, तो इन्होंने बोल दिया फॉरेन ब्रांचेस है तो ऑडिट कौन करेगा, वो जो फॉरेन कंट्री है जहां पे ये ब्रांच लोकेटेड है, वो कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी पर्सन एलिजिबल है वो पर्सन ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। पावर्स एंड ड्यूटीज ब्रांच ऑडिटर के सेम रहेंगे जो मेन ऑडिटर के होते हैं, जो अपन ने यहां पे देखे सेम रहेंगे। एंड दूसरा चीज क्या बोल दिया सर, दूसरा ये बोल दिया ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देगा, कंपनी ऑडिटर या फिर मेन ऑडिटर को, वो किसको देगा, मेन ऑडिटर को। अगर एक कंपनी की 25 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 रिपोर्ट जाएगी, सारे ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देंगे, मेन ऑडिटर को देंगे। और फाइनली मेन ऑडिटर क्या करेगा, मेन ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देगा, शेयर होल्डर्स को। होप यू आर गेटिंग क्लियर है, समझ रहे हैं। चलो सर हम ऑडिट कर क्यों रहे हैं, ये कौन सा ऑडिट पढ़ रहे हैं अपन, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं, कंपनी के केस में कंपल्सरी ऑडिट होता है, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट क्यों कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को पता चले, शेयर होल्डर्स को पता चले कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं ऑडिट करने के बाद में क्या करूंगा सर, मैं ऑडिट करने के बाद में प्रोवाइड करूंगा अपना ओपिनियन,
मैं ऑडिट करने के बाद मैं क्या प्रोवाइड करूंगा सर? ऑडिट करने के बाद में मैं प्रोवाइड करूंगा अपना ओपिनियन, मैं प्रोवाइड करूंगा अपना जजमेंट। तो ऑडिटर प्रोवाइड करता है अपना ऑडिट रिपोर्ट, एंड वो रिपोर्ट में क्या देता है बेटा? बेटा वो रिपोर्ट में देता है अपना ओपिनियन। रिपोर्ट में क्या देता है? अपना ओपिनियन। तो बेटा ये रिपोर्ट का ना कुछ कंटेंट होता है। कंटेंट में सबसे पहले क्या रहेगा सर? टाइटल। टाइटल मतलब क्या रहेगा? ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड रहेगा एड्रेसी। आप ये रिपोर्ट दे किसको रहे हो सर? टू द शेयर होल्डर्स। उसके बाद में कुछ पैराग्राफ रहेंगे, आइडेंटिफिकेशन पैरा। यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई कौन से फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया जा रहा है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर पहले से क्लियर कर देता है अपने रिपोर्ट के अंदर कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना बेटा, वो ये है ओपिनियन पैरा, जहां पे ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन। ऑडिटर क्या रखता है? अपना व्यू रखता है। ओपिनियन पैरा सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, और ये ओपिनियन आपके चार टाइप्स के होते हैं। ओपिनियन कितने टाइप्स के? चार टाइप के। और यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता ही है, एक एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेगा ये चार ओपिनियन के अंदर। और उसके बाद में डेट प्लेस सिग्नेचर। क्लियर है? क्लियर। चल तो सर ओपिनियन कितने टाइप्स के? सर ओपिनियन चार टाइप्स के। कौन से कौन से? अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। सर अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूं। सर अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम बेस्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम सही है, सारे अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कुछ फॉलो हुए, एक रुपए की गड़बड़ नहीं है, तो सर हम कौन सा रिपोर्ट देंगे? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्लीन रिपोर्ट। व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्लीन रिपोर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन रिपोर्ट, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो हुए हैं। सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं रहे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है ना, ना ही कोई पॉलिसीज फॉलो हुई है, तो सर वो केस में कौन सा? एडवर्स। सबसे बेस्ट कौन सा? अनक्वालिफाइड। सबसे वर्स्ट कौन सा? सर एडवर्स, नाम से पता चल रहा है ना, एडवर्स वर्स्ट। और एडवर्स का दूसरा नाम ही क्या है? नेगेटिव रिपोर्ट। ये ऑडिटर कब देता है? व्हेन देयर आर मोर प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन लॉ ने क्या बोल दिया? जब भी आप लोग एडवर्स रिपोर्ट देते हो ना, जब भी आप लोग एडवर्स रिपोर्ट देते हो, तो सामने वाला बिजी होता है, हर आदमी पूरा रिपोर्ट पढ़ता ही नहीं, तो रिपोर्ट देख के उसको पता चलना चाहिए कुछ तो गड़बड़े पड़ले। तो इन्होंने क्या बोल दिया? उसके जो वर्डिंग्स रहेंगे, उसके जो कंटेंट रहेंगे बेटा, वो कैसे लिखोगे? सर या तो बोल्ड में लिखोगे, या तो लिखोगे इन इटैलिक्स फॉन्ट, या तो बोल्ड या तो इटैलिक्स। एंड आप लोग जब भी एडवर्स ओपिनियन दोगे ना, आपको साथ में देना पड़ेगा रीजंस, आपको रीजन देना पड़ेगा भाई वो कौन सा रीजन है जिसके लिए आप लोग इतना गंदा रिपोर्ट दे रहे हो। क्लियर? क्योंकि जैसे ही आपका एडवर्स ओपिनियन बाहर आएगा ना, जैसे नेगेटिव रिपोर्ट बाहर आएगी ना, पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक वो कंपनी से पैसा बाहर निकालेगा और शेयर प्राइस विल फॉल डाउन। तो ऐसा क्या रीजन है कि आप कौन सा रिपोर्ट दे रहे हो एडवर्स? आपको रीजन बताना पड़ेगा। सर अगर मैं बोलता हूं कि सर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो किया, बट छोटी छोटी थोड़े बहुत एरर्स है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, व्हेन देयर आर सम प्रॉब्लम्स, When there are little problems, तो law बोलता है वो केस में आप कौन सा दोगे? Qualified report. When there are few problems or some problems, और जब भी qualified opinion दिए जाते, तीन में से एक word use किया जाता है, except for, other than, subject to. कैसे लिखा जाता है? वहाँ पे लिखा जाता है financial statement of a company provides true and fair view, but subject to certain exception, other than this point, या फिर except for.
ये तीन में से एक वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन सर ऑडिटर ऑडिट करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सपोर्टिंग पेपर्स, उसको चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर कंपनी ने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं दिए, अगर उसको एविडेंस ही नहीं मिले, तो क्या वो ऑडिट कर पाएगा? सर ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जहां पे लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस रहेगा, जहां पे डॉक्यूमेंट्स ही कम है, तो केस में ऑडिटर क्या अपना प्रॉपर व्यू दे पाएगा? सर ऑडिटर अपना व्यू दे नहीं पाएगा। व्हेन ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस, वो कौन सा रिपोर्ट देगा? सर वो देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन नहीं दे रहा है, वो ओपिनियन का डिस्क्लेमर दे रहा है कि सर व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द ओपिनियन, मैं उसका रीजन प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? बिकॉज मैनेजमेंट ने मेरे को सारे पेपर्स प्रोवाइड नहीं किए। समझा? तो यहां पे अपना कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर। सारी चीजें अपन ने अच्छे तरीके से कवर कर ली। एक बार ये चार्ट देखना वापस से, सब कुछ आपका डन हो जाएगा यहां पे। बाय दिस वी एंड टू द फर्स्ट चैप्टर, जो अपने तरफ से फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज होता है अप्रोक्स 10 मार्क्स, मतलब मिनिमम 5 MCQ आपको ये चैप्टर से मिलेंगे, मिनिमम 5 MCQ, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे दूसरे चैप्टर्स। सो थैंक यू सो मच।